वेस्ट बंगाल में एक लड़के ने अपनी आंसर शीट में पुष्पा का डायलॉग लिख दिया। वहीं पर बिहार में कुछ लोग पूरा का पूरा पुल चोरी करके ले गए और राजस्थान के सीकर में एक आदमी नकली पिस्तौल लेकर चोरी डकैती करने पहुंच गया। और वहीं मुरादाबाद यूपी में बीवी से सताया हुआ एक आदमी मोबाइल के टावर पर जाकर चढ़ गया। खैर वो तो चढ़ गया, लेकिन हम उतारेंगे इन सभी खबरों की और तब आप कह पड़ेंगे कि सही पकड़े। लेकिन उससे पहले अगर आपने ये सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है हमारे चैनल का तो वो दबा लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो वो भी दबा दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से ही आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो मेरा नाम है कमल मर्ची और आप देख रहे हैं सही पकड़े हैं। बिहार के रोहतास में कुछ चोरों ने एक लोहे का बना हुआ पूरा का पूरा पुल चोरी कर लिया। बाद में जांच करने पर पता चला कि वो तो सिंचाई विभाग के कर्मचारी थे जिन्होंने पुल चुराया था। बताइए यार, वैसे ना जांच हुई अच्छी बात है, इस देश में पुलवामा की जांच नहीं हुई लेकिन इस पुल की जांच हुई। ए, सफेद कपड़ा। आगे बढ़ते हैं। इस बारे में हमने उस सिंचाई कर्मचारी से बात की तो उसने कहा कि देखिए, अरे बहुत दिनों से इस पुल का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो हमारी नजर उस पर पड़ गई तो हमने उसकी आंखों से सिंचाई शुरू कर दी और हमें लगा कि लहलहाती फसल खड़ी है, काट लो, तो हमने काट लिया और MSP पर बेच दिया। अरे MSP मतलब मरा सड़ा पुल। और क्या वेस्ट बंगाल में एक स्टूडेंट ने अपनी आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एक लाइन लिखी, पुष्पा पुष्पराज, मैं कुछ लिखेगा नहीं साला। मेरे ख्याल से उसके टीचर को भी लिख देना चाहिए, पुष्पा पुष्पराज मैं नंबर देगा नहीं साला। जैसे ये डायलॉग पिछले दिनों काफी फेमस हुआ और मुझे लगता है कि इस डायलॉग का इस्तेमाल और भी कई लोग कर सकते हैं, जैसे कि सलमान खान, पुष्पा पुष्पराज मैं शादी करेगा नहीं साला। कंगना रनौत, पुष्पा पुष्पराज मैं कंट्रोवर्सी करना छोड़ेगी नहीं साला। आपका करण जौहर, हाय 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 पुष्पा पुष्पराज मैं नॉन टैलेंटेड स्टार किड्स को ब्रेक देना छोड़ेगा नहीं साला, हाय हाय हाय। विराट कोहली, पुष्पा पुष्पराज मैं गाली देना छोड़ेगा नहीं साला। अब आते हैं हमारे पॉलिटिशियन पे, केजरीवाल। एक मिनट, पुष्पा पुष्पराज मैं खांसना छोड़ेगा नहीं साला, जांच करा लो। राहुल गांधी, देखो भैया, पुष्पा पुष्पराज मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनूंगा नहीं और किसी को बनने भी नहीं दूंगा साला। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। और अब फाइनली आते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ भाइयों बहनों, पुष्पा पुष्पराज मैं अपने मन की बात करूंगा और किसी की मन की बात सुनेगा नहीं साला, भाइयों बहनों। मुंबई के बोरीवली में एक आदमी पी के गाड़ी चला रहा था और उसको बीच रास्ते में नींद आने लगी तो उसने गाड़ी वहीं रोक दी और सो गया और चारों तरफ ट्रैफिक जाम लग गया। वैसे हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही हो, महंगाई बेरोजगारी दंगा फसाद पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ इस चीज का, लेकिन हमारी सरकार सत्ता के नशे में टल्ली होके और बीच रास्ते में गाड़ी रोक के खड़ी। ए, सफेद कपड़ा। हम बात करते हैं उस शराबी की, तो हमने उस शराबी से पूछा कि भाई ये क्या हुआ, तो उसका कहना था अरे छोड़ो यार, इसमें मेरा एब्सोल्यूट दोष नहीं है, ये तो उस बुड्ढे ओल्ड मॉन्क के चक्कर में मैंने दोस्तों से रॉयल चैलेंज कर लिया कि गाड़ी मैं चलाऊं।
मुझे मालूम है रास्ते में गाड़ी रोककर सोना बहुत रिस्की है, लेकिन इसीलिए मेरे को एक और जाम की जरूरत पड़ी, तो मैंने गाड़ी बीच में रोक दी और ट्रैफिक जाम हो गया और वो जाम उठा के मैं पी गया। मुरादाबाद यूपी में एक आदमी ने दूसरी शादी कर ली और उसकी दूसरी बीवी ने उसपे 3-4 केस लगा दिए। पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी तो वो जाके मोबाइल के टावर पे चढ़ गया। एक बार ना हरभजन सिंह ने बताया था कि दूसरा डालो तो विकेट मिलता ही है, तो इसने तो दूसरी शादी कर ली तो होना ही था हिट विकेट। वैसे इस बारे में हमने उस आदमी से बात की तो उसका कहना था, देखिए हम पुलिस को अपनी बात बताना चाह रहे थे लेकिन पुलिस हमारी एक नहीं सुन रही थी, उनके कानों तक हमारी बात नहीं पहुंच रही थी, तो हमें लगा शायद रिसेप्शन कमजोर है। हम मोबाइल के टावर पर जाकर चढ़ गए और वहां से रिसेप्शन लेके उनको बात सुनाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। हम देखिए दूसरी शादी करो चाहे पहली शादी करो, कोई भी बीवी हो वो आपका तिया पाचा कर ही देती है। राजस्थान के सीकर में एक आदमी नकली पिस्तौल लेकर बैंक लूटने पहुंच गया और पकड़ा गया। इस बारे में हमने उस आदमी से बात की तो उसका कहना था, भाई जी मेरी बात सुनो, देखो ये सरकार के लोग नकली वादे करके देश लूट लेते हैं, तो मैं तो फिर भी नकली पिस्तौल लेकर बैंक लूटने गया था। और वैसे भी देखो बैंक का क्या है, बैंक जो है एटीएम से पैसे निकालो तो आपका चार्ज ले लेता है, आप चेक बुक लो तो उसका आपसे चार्ज ले लेता है, और कुछ करो तो उसे अर्थ ले लेता है, और साथ में ही अगर आप अपना पैसा जमा कराओ तो आपको पैसे कम देता है इंटरेस्ट, और जब आप उनसे पैसा दो तो आपसे इंटरेस्ट ज्यादा लेता है। तो सारे लूट रहे हमारे को बताओ है, बैंक चोर मैं थोड़ी हूं, यही है सारे बैंक चोर। कैलिफोर्निया में एक आदमी ने मकड़ी मारने के लिए फायर टॉर्च का इस्तेमाल किया और इस चक्कर में अपना पूरा घर जला दिया। भाई देखिए कि आप तीर कमान ले तो लेते हो लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको तीर कमान चलाना भी आता हो। मिसाल के तौर पे ये वीडियो देखिए। वैसे ये जो है ये 10 सिरों वाले रावण को मारने जा रहे थे और वो जो है वो 8 पैरों वाली मकड़ी को मारने जा रहे थे। वैसे 8-8 इनके भी कम नहीं है भाइयों बहनों। 8 बजे नोट बंद, भाइयों बहनों 8 बजे देश बंद। ए, सफेद कपड़ा मेरी बोलती बंद। और देखिए आप लोग ना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इससे पहले कि वो दोबारा आके बोले ये सफेद कपड़ा मैं निकलता हूं, मेरा नाम है कमल मर्ची और आप देख रहे सही बोल रहे।